नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अत्र मुनि। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक शॉर्ट फॉर्म तरीका एक और नया लेके आऊंगा, तो ये राशि, ठीक है, एक ये जन्म का जो नक्षत्र होता है आपका, वो मैंने एक बनाया है, एक नाम का जो अक्षर होता है। जैसे बहुत लोग पंडित लोग ये बताते हैं कि आपका ये अक्षर निकला है, आपका वो अक्षर निकला है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे वो निकलता है, क्या तरीका होता है, वो मैं सही तरीके से बताना चाहता हूँ आपको। तो ये एक क्रम है, जैसा कि आपको पता ही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो पहले नंबर में से आता है, मैंने पहले कहा था, अब तो मेरे ख्याल से आप लोग को वीडियो देखते देखते याद हो गया होगा। तो पहला नंबर मेष आता है, दूसरे में रस आता है, तीसरे में मिथुन आता है, चौथे में कर्क आता है, और पांचवें नंबर में सिंह आता है, छठे नंबर में कन्या आता है। और इसमें क्या होता है कि जो ये नक्षत्र जो बनते हैं, वो ढाई नक्षत्र मिलके एक राशि का निर्माण होता है उससे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो मेष है, मेष में आता है जो नक्षत्र, वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये तीन आते हैं। और इनका जो वो अक्षर है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो नाम का जो अक्षर होता है, वो जो इनके नक्षत्र से मैच होता है, वो अक्षर है, वो चू चे चो ला ली ले लो आ, ये हमने एक तैयार किया है। ऐसे हिसाब से वृक्ष में यही होता है, कृतिका, रोहिणी, मृक्षिका, ये इनका तीन होता है। पहले ही मैंने बता दिया था, ढाई मिल करके एक राशि का निर्माण होता है। उसी हिसाब से ई ऊ ए ओ वा वी वो वे वो, ये मतलब वृष वालों का है। उसी हिसाब से मिथुन वालों का है मृगशिरा, इसका देखिए ये चीज रिपीट हो रहा है, मृगशिरा, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है। उसी हिसाब से कृतिका, आधा इधर है आधा इधर है, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। इनका जो अक्षर होता है, जो नाम का जो अक्षर होता है, वो का की कू घाड़ा छा के को हा, ये मिलके बनता है। उसी हिसाब से आपका आइए कर्क में, कर्क में वही आधा इसका पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, ढाई का मिलके बनता है उसका। ये है ई हे हु हो डा डी डे डू डो, ये मतलब कर्क का है। उसी हिसाब से सिंह का है मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये मिलके तैयार होता है। मा मी मू मे मो टा टी टे टो, ये इस हिसाब से सिंह राशि का बनता है। उसी हिसाब से ये कन्या का भी तैयार होता है, जिस हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी, आधा उत्तरा फाल्गुनी का आ गया है, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। इसका जो नाम का अक्षर आता है पा पू पी सा ढा ठा पे पो डो, ये मतलब एक तैयार होता है। तो सातवां नंबर आता है आपका तुला, जो नक्षत्र इसका आता है चित्रा, स्वाति, विशाखा, और नाम का जो अक्षर आता है रा री रू रे रो ता ती तू ते, ये अक्षर आता है आपका तुला में। आठवां नंबर आता है आपका वृश्चिक, ठीक है, इसका जो नक्षत्र है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इसका जो नाम अक्षर आता है, जो जन्म जो रखा जाता है नाम, उस हिसाब से तो ना नी नू ने नो या ई यू, ये मतलब आता है उसमें वृश्चिक में। और नवा नंबर आता है आपका धनु, उसमें आता है जो नक्षत्र आता है वो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। इसमें जो नाम अक्षर आता है ये यो भा भी भू भा धा भे भा, ये आता है आपका धनु में। मकर में आपका आता है दसवें नंबर में आता है, वो है मकर, उसमें उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ये आता है आपका मकर में। जो इसका जो अक्षर है वो भो जा जी खी खु खे हो गा गी, ये आता है आपका मकर में। और ग्यारहवें नंबर में आता है आपका कुंभ, जो चीज आता है आपका धनिष्ठा, सद्विष्ठा, पूर्व भाद्रपद, ये आता है आपका कुंभ में। तो इसका जो अक्षर आता है वो गु गे गो सा सी सु से सो दा, ये आता है आपका कुंभ में। उसी हिसाब से जो आखिरी राशि आती है वो बारह नंबर, उसमें जो मीन है, ठीक है, उसमें जो आता है आपका नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये आता है आपका
आखिरी जो मीन में ये नक्षत्र आते हैं, और जो अक्षर आता है वो दी दू था झा त्रा दे दो चा ची, ये सब आते हैं। तो मेरा वीडियो लाने का मतलब यही था, जितना शॉर्ट फॉर्म से आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय गणेश।